हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या 360। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएसएफ एडमिट कार्ड 2019। तो फ्रेंड्स, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में पास दिए गए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप अपडेटेड रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को बता रही थी, बीएसएफ ने एक वैकेंसी रिलीज की थी जिसकी काउंटिंग थी 1356। उन्होंने कांस्टेबल जीडी के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज किया था। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, वे जानना चाहते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है। तो इसकी लास्ट डेट है 24 नवंबर 2019। अब साथ में फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ही इसके ऑनलाइन आवेदन खत्म हो जाएंगे उसके बाद में सभी कैंडिडेट्स इसकी एग्जाम डेट, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वे इसके एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड का भी वेट करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ही लास्ट डेट खत्म होगी उसके बाद में डिपार्टमेंट एक ऑफिशियल लिंक अपने ऑफिशियल साइट के ऊपर पब्लिश करेगा जिसके अंदर अपने एग्जाम डेट बताएगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ, इसका एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 10 या 15 दिन पहले रिलीज किया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको लिंक के अंदर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट डाल दूंगी, साथ ही मैं फ्रेंड्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ स्टेप बता दूंगी ताकि आप लिंक पर क्लिक करके अपने एडमिट कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सके। तो अपने डिपार्टमेंट जो भी लिंक जारी करेगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप आसानी से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो यही खत्म होती है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।